गुरुजी राधे राधे जी। राधे राधे। आप चरणों को कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी जी। गुरुजी मेरा एक बेटा है करीब 18 साल का, तो गुरुजी वो हाई स्कूल में तो फेल हो गया इस साल, और वो एक लड़की से पता नहीं क्या बातचीत करने लग गया है, तो वो लड़की पता हम लग आया कि मांगलिक है वो, तो वो शादी करने पीछे पड़ा हुआ है, शादी करेंगे इसी से हम। कहाँ है आपका बेटा? गुरुजी वो अभी आया नहीं है साथ में आज। तो लाए होते तो हम बात करते। वो बोलता है कि गुरुजी बोलते हो जाती है ये वो। तो बात हमसे कर ले ना, बुलाओ उसको, बात करा दो हमारी, ले आना नेक्स्ट। जी ये गुरुजी एक बात और है जी। जी मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ जी, तो हनुमान जी जो है ना मेरे पास मूर्ति चांदी की है, तो उसको मैं डेली नहलवाता हूँ जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि डेली मतलब नहलाना नहीं चाहिए, ऐसे एक बार में नहला दो, हफ्ते भर में महीने भर में एक बार तो बहुत है, क्या करना चाहिए गुरुजी? नहीं आप पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं, सही करते हैं जी। चांदी की मूर्ति है तो रोज मतलब कराता हूँ स्नान, कोई बात नहीं करता हूँ, कर सकते हैं, कर सकता हूँ गुरुजी। और गुरुजी विष्णु भगवान की भी पूजा करता हूँ और बालाजी की भी करता हूँ, तो साथ में कोई दिक्कत नहीं करनी? हाँ हाँ चलेगा, कोई दिक्कत चलेगा। गुरुजी मेरी पत्नी जी आई हैं, थोड़ा परेशान रहती हैं, थोड़ा इनसे बातचीत कर लीजिए, खुश रहे। अरे बता दो कुछ, चलो आगे बढ़ाओ भाई। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। मैया जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं परेशान रहती हूँ बहुत। क्यों? पता नहीं हाथ पैर में दर्द रहता है, बड़ा बराबर दवाई भी खाती हूँ। दवाई ठीक है पर योग किया करो, योग एक्सरसाइज इत्यादि किया करो, ठीक है? खाना भोजन कम करो और योग ज़्यादा करो, ठीक है? जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। नेपाल में कहाँ रहते हैं आप लोग? नेपाल में तो हम रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ। अच्छा, दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ। हाँ जी। तो माँ क्या कहना चाह रही हैं? बस मतलब मेरी उम्र ऐसी हो गई कि मैं अभी तक भटक ही रहा हूँ, मतलब कुछ भी एक तय नहीं कर पा रहा कि करना क्या है, तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि अब शुरू कर सकूँ उन चीज़ों को। क्या करना चाहते हैं आप? मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। तो अभी क्या प्ले करते हैं? मैं करते रैप सॉन्ग करता हूँ। अच्छा, हाँ तो ठीक है, इसी में आगे बढ़ो। और साथ साथ इसके बिजनेस भी खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु। बिल्कुल, मन लगा के काम करो, सब भगवान कर रहे हैं, करा रहे हैं, ये भाव से और सही रास्ते पर। हाँ जी। है ना, मांस शराब इन रास्तों पर नहीं जी। शराब तो नहीं पीते आप? नहीं। सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं। अब सब त्याग कर दिया सबका। आपको आगे बढ़ना है तो देखो, हमारे आगे बढ़ने में ना ये जो हमारे व्यसन होते हैं यही हमें रोकते हैं। ये एक्चुअली लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, आपकी उम्र के जितने बच्चे हैं मैं सबसे निवेदन करूंगा, लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, गुटखा तंबाकू सिगरेट कोई भी नशा वो आपके भविष्य के लिए, आपके उत्थान के लिए वो सबसे बड़े बाधा हैं। इसलिए नशा मुक्त जीवन हो, नशा रहेगा तो शरीर सदा बीमार रहेगा, नशा मुक्त रहेंगे सदा बढ़ेंगे आगे चलेंगे। नशा में आज तक कोई भी नहीं बढ़ पाया, नशा बढ़ने नहीं देता। आप यदि नशेड़ी हो गए हैं तो काम करते समय भी छोड़ छोड़ के आपको नशा करना पड़ता है, क्योंकि नशे, इसलिए नशा की लत करने लगानी नहीं चाहिए किसी को जी। गुरु जी राधे राधे। खुश रहिए।